हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल वाला बटन दबाइए और साथ में बेल के आइकन को इनेबल कर दीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सूचनारों में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और आज की कुछ खास खबरें जो सऊदी अरब की हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। महकमे पासपोर्ट ने इत्मीनान दिलाया है कि एक सूरत ऐसी है जब तारकिन वतन को मुनाफिकीन फीस से छूट हासिल होगी, ये आरजी हालत होगी। जानकारी के मुताबिक एक मुकीम गैर मुल्की ने ट्विटर पर महकमे पासपोर्ट से पूछा था कि वो नकल कफाला करा रहा है, क्या उससे एक कपील से दूसरे कपील के यहाँ नकल कफाला के दौरान की भी मुनाफिकीन फीस अदा करनी होगी या नहीं। महकमे पासपोर्ट ने उसके जवाब में बताया कि नकल कफाला के दौरान मुनाफिकीन फीस से छूट हासिल होगी। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब इससे पहले महकमे पासपोर्ट से पूछा गया था कि क्या तारकिन वतन मुनाफिकीन फीस किस्तों में अदा कर सकते हैं। महकमे पासपोर्ट ने इसका जवाब नहीं में दिया था। 26 सफ़र 1439 से लेकर 20 रबी अव्वल 1440 तक इकामा मेहनत व सरहदी सलामती नियमों के खिलाफ वर्जी करने वाले 23,37,799 अफराद गिरफ्तार किए गए। इनमें से 18,15,487 इकामा, 3,58,801 मेहनत और 1,63,511 सरहदी सलामती कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए हैं। दरअंदाजी की मजमूई तादाद 38,543 पाई गई। मकतबे अमाल के अफसरान ने 500 से ज़्यादा गैर मुल्की कारकुनान को अपनी कंपनी के दफ्तर के सामने विरोध करने पर आमादा कर लिया। गैर मुल्की कारकुनान का कहना था कि 4 महीने से ज़्यादा टाइम से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। गैर मुल्कियों का ताल्लुक अलग अलग मुल्कों से है, उनमें से कई बकाया जात और निहायक रुच बीजे भी मांग रहे थे। मकतबे अमाल ने उनकी शिकायत सुनी और फिर उन्हें समझाया कि वो कानूनी तरीके से अपनी मांग रखें, उन्हें हक दिलाया जाएगा। ये सुनकर कारकुनान ने विरोध खत्म कर दिया और अपनी रिहाइशों पर वापस चले गए। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के एक गोदाम में जुमा को आग लग गई थी, काबू पा लिया गया। इससे हवाई अड्डे का निजाम खराब नहीं हुआ, जहाज़ों का आना जाना जारी रहा। आग एयरपोर्ट के दायरे में काम करने वाली कंपनी के गोदाम में लगी थी। सऊदी बैंकों में इदारा आगाही के सेक्टर जनरल तलत हफीज ने दावा किया है कि मुनाफिकीन फीस की वजह से सऊदी अरब छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद मुगालबा आमेज है। ये दावा नाकाबिले फहम है कि मुनाफिकीन फीस की वजह से गैर मुल्की कसीर तादाद में सऊदी अरब को खैराबाद कहे गए हैं। सच्चाई वो है जो महकमे पासपोर्ट ने बयान की है। महकमे का कहना है कि 5,41,000 खुरुज निहाई के बीजे जारी किए गए, जबकि 30 लाख से ज़्यादा तारकिन खुरुज अहदे बीजे हासिल किए थे। 4,03,000 नए इकामे जारी हुए, 40 लाख तारकिन के इकामे तस्दीक हुए। यह दादो शुमार बताते हैं कि ज़्यादातर तारकिन वतन मुमलकत के जाने से इकोनॉमिक निगेटिव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तलत हफीज ने कहा कि सऊदी अरब जो तारकिन फीस मुकर्रर की है वो दुनिया भर में गैर मुल्कियों पर लगाए जाने वाली फ़ीस के मुकाबले में सबसे कम है। इसके अलावा सऊदी अरब वो मुल्क है जो तारकिन के मुमलकत आने या लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लेता। उन्होंने एतराब किया है कि तारकिन फीस की वजह से निजी इदारों और गैर मुल्कियों के बजट पर दबाव आया है, उनके खर्च पर इजाफा हुआ है, लेकिन तारकिन फीस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल की वजह से पेशे नज़र मुकर्रर की गई है। सऊदी हुकूमत चाहती है कि निजी इदारे गैर मुल्कियों के मुकाबले में सऊदियों को तरजीह बुनियाद पर मुलाजिम रखें। तारकिन फीस लगाने का मकसद गैर मुल्की मुलाजिम की लागत को सऊदी मुलाजिम के मुकाबले में बढ़ाना है। इसके नतीजे में बेरोजगारी कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी शहरियों को रोज़गार मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की कुछ खास खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।